हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब जो भी स्टूडेंट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं फर्स्ट ओपन काउंसलिंग के लिए या फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, उन लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं और किस किस स्टूडेंट को जाना है या कौन कौन स्टूडेंट जा सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करने वाला हूं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर। तो सबसे पहले तो जो भी लोग बायोटेक्नोलॉजी के हैं और जिनका भी नाम इस लिस्ट में होगा, उनको 8 और 9 तारीख 8 सितंबर और 9 सितंबर को श्रीनगर कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेना है तो ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। टाइमिंग जो होगा वो सुबह 11 बजे से और शाम 4 बजे तक का होगा। जो भी स्टूडेंट्स जिनने जो अप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका अभी BSc 6th SEM का रिजल्ट नहीं आया है तो उनको अंडरटेकिंग देनी होगी ₹10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के ऊपर। ठीक है, जिनका रिजल्ट अवेटिंग है उनको नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के ऊपर अंडरटेकिंग देनी होगी, ₹10 का स्टाम्प होगा। और 25 सितंबर तक उनको अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी वो होंगी जनरल के अंदर 7, यानी कि UR के अंदर 7, OBC के अंदर 3, SC के अंदर 2, ST के अंदर 1 और EWS के अंदर 1। आई अगेन रिपीट, नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर होंगी UR में 7, OBC में 3, SC में 2, ST में 1 और EWS में 1। अब यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है इसके अंदर तो है नाम बहुत सारे ना, देखो आप कितनी बड़ी मेरिट लिस्ट है पर सीट्स इतनी नहीं है यहाँ पर, तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की कि किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है, तो ये देखो शुरुआती वाले जो मार्क्स हैं ये तो बहुत हाई मार्क्स हैं। इवन मैं 220 तक बात करूं तो ये मार्क्स बहुत हाई मार्क्स हैं बायोटेक के लिए। यहाँ पर अगर ये लोग यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर जनरल में कोई जाना चाहता है तो जनरल में जिन लोगों के मार्क्स 190 प्लस हैं, 190 प्लस वालों को जनरल में यहाँ जाना चाहिए। OBC में जिन लोगों के मार्क्स 190 प्लस है OBC और जनरल में दोनों उनको, और अगर मैं SC की बात करूं तो SC में जिन लोगों के मार्क्स 150 प्लस हैं या 140 प्लस हैं उन लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, और ST में जिन लोगों के मार्क्स 120 या 130 प्लस हैं उन लोगों को यहाँ काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। सीट्स बहुत कम है तो इसलिए हर कोई पहुँचे उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। तो जो भी लोग जाएं, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो हायर रैंक वाले बच्चे होंगे, हायर मार्क्स वाले बच्चे होंगे, माइट बी पॉसिबल वो DT वगैरह में एडमिशन ले चुके होंगे या किसी और यूनिवर्सिटी में इधर उधर वो सेट हो चुके होंगे। तो जनरल में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जिनके 190 से ऊपर हैं, OBC में जनरल में क्योंकि कुल मिला के सीट 7 हैं तो अगर इससे कम भी हैं 180 भी हैं तो भी आप चले जाएँ एक बार। OBC में सीट्स बहुत कम है, 3 सीट हैं तो 180 या 190 अबव ही OBC में रहना। SC में 150 प्लस और ST में 150 प्लस 130 प्लस, और अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS के अंदर 150 160 प्लस में ही रहना। तो इससे ज़्यादा कम, इससे कम का मेरे को लगता नहीं क्योंकि सीट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उस इतने कम नंबरों पे एडमिशन नहीं होगा क्योंकि इस लिस्ट के अंदर बहुत कम नंबर वाले बच्चे भी हैं। जाना चाहें वो आप जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, पर इतने कम नंबर पे एडमिशन हो जाए वो मुझे नहीं लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो काउंसलिंग की जो डेट है वो है 8 सितंबर 9 सितंबर, और उसके अलावा जिनका रिजल्ट अवेटेड है उनको अंडरटेकिंग लेकर जानी है ₹10 के स्टाम्प के ऊपर, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प ये होगा, और 25 सितंबर को आपको रिजल्ट सबमिट करना होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफलाइन काउंसलिंग स्केड्यूल ऑफ बायोटेक ऑफ HNBGU श्रीनगर कैंपस। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए।